हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट जान लेते हैं। मेजरमेंट है सलवार का, सलवार की जो लंबाई है वो 37.5 इंच है, हिप है 50 इंच, पोचा है 7.5 इंच और बेल्ट है 28 इंच। तो इसको हम कपड़े पर निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले कपड़ा जान लेते हैं। यह कपड़ा जो है 2.5 मीटर है। इसको मैंने सिंगल फोल्ड कर दिया है, यहाँ से खुला पीस है और यहाँ से ये बंद है। इसको मैंने प्रेस करके सारा एक जैसे बिछा दिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो जो सलवार की जो हमारी लंबाई है वो है 37.5 इंच। तो 37.5 में से हम 6 इंच लेस कर देंगे बेल्ट का, तो रह जाएगा 31.5 इंच। 31.5 के अंदर हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि वो ऊपर की सिलाई, बेल्ट की सिलाई और पोचे की सिलाई के लिए चाहिए। तो 32.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये हमने ऐसे सीधे का निशान लगाना है। अब हम यहाँ से 32.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने लेना है 32.5 पर, 32.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे और 32.5 पर ही हम यहाँ निशान लगाएंगे और इसको हम फूटे की मदद से सीधा कर लेंगे। अब इसको हम, ये हमारे इसमें से दो पार्ट निकलेंगे, दो सलवार के दोनों पांचे निकलेंगे, मतलब आगे के पार्ट। इसको हम काट के अलग कर लेंगे। अब हम कपड़े को आगे खिसकाएंगे और अब इस पर हम जो कलियों के उस पर निशान लगाएंगे। अब हमने जो पार्ट निकाले थे 32.5 इंच के, तो हम कलियां भी 32.5 की ही निकालेंगे। यहाँ से हम 3 इंच टेप रखेंगे और 32.5 पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और ये दूसरी साइड से हम 16 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसको, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब हम इस भाग की यहां से कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े को पलटकर हम इसको ऐसे बिछा देंगे इसके साथ और एक सार कर लेंगे पहले। इसको ऐसे बिछाएंगे पलटकर और यहाँ से भी इसको सेट कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ऐसे रख लिया। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमारी 4 कलियाँ तैयार हो गई। अब जो ये आसन है 16 इंच का, इस पर हम अलग से कली जोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसा करके डबल करेंगे ऐसे। ये हमारा जो कपड़ा बचा है इसको हम डबल करेंगे ऐसे। और इसको ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर से ऐसे। ये देखिए ऐसे लगाएंगे। आसन है हमारा 16 इंच जिसमें 6 इंच हमारी बेल्ट है। बेल्ट को लेस करके हमारा बचेगा 10 इंच। 10 में हम आधा इंच सिलाई रखेंगे तो हो जाएगा 10.5। तो 10.5 पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे ऐसे और इसको इससे हम तिरछा कर देंगे। और हल्की सी यहाँ पे हम ऐसे गोलाई दे देंगे ऐसे ऐसे गोलाई दे देंगे। और अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से इसको लगा दिया। अब हम इस जो ये जुड़ा हुआ पीस है इसको हम काट देंगे।
ये हमारे चार ये आसन पर ये हमारा ये लग जाएगा इस तरह चढ़ के लगेगा यहाँ से। ऐसे ही पार्ट थे इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पार्ट को ऐसे डबल करेंगे। यहाँ जो ये डबल की तरफ है जो जॉइंट है उसको साइड रखेंगे और जो खुला है इससे हम निशान लगाएंगे। 7.5 हमारा पहुँचा है तो हम 8.5 इसको रख लेंगे। यहाँ से हम 8.5 पे और यहाँ से हम हमारी बेल्ट है 8 इंच की, तो यहाँ से ये डबल है, ये डबल है तो यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमने 4 पे निशान लगाया और इसको इस पे हम रख देंगे। ये हमारा 8.5 का हमारा ये पार्ट तैयार हो जाएगा, जो कि सिलाई करने के बाद 7.5 हमारा पोचा बन जाएगा। तो चारों तरफ से 4 इंच पे हाथ में निशान लगा लेंगे जो हमारी यहाँ से बेल्ट निकल आएगी और इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमारे दो पार्ट हो गए और जो ये कपड़ा बचा है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और जो ये हमारा कपड़ा है जो आसन में से हमारा बचा था इसमें से हम इसको यहाँ पे इस तरह जॉइंट लगा देंगे तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पार्ट हैं दो और ये हमारी 4 कलियाँ और ये आसन, इसको मिलाकर देखिए कितना बड़ा हमारा घेरा तैयार हो जाता है। तो इसमें अच्छी सी हमारी प्लेट्स डलेंगी जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी और इसे हैवी साइज़ की लेडीज़ भी डाल सकती हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।